हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे व्हाइट चिकन करी, या फिर आप इसे व्हाइट चिकन कोरमा भी कह सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और डिफरेंट रेसिपी है, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 2 किलो चिकन लिया है, अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लगभग 2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। 1 कप हम इसमें दही डालेंगे, दही को अच्छे से फेंट लेंगे, और दही हमारी ताज़ी होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। 1 चम्मच डालेंगे हम क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेशन के लिए आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम और कुछ और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमें पेस्ट बनाने के लिए चाहिए होगा 6 मीडियम साइज का प्याज, उसे हम रफली चॉप्ड कर लेंगे। 18 से 20 काजू को धो लेंगे गरम पानी में, और 10 से 12 हरी मिर्ची। उसके बाद एक पैन में हम 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें हम 1 बटर का टुकड़ा डालेंगे, और उसमें हम कुछ खड़े गरम मसाला डालेंगे, जैसे कि 4 से 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी, और जो भी हो लौंग 5-6। उसके बाद जो हमने प्याज काटा था 6 रफली चॉप किया, उसे डालेंगे। हम इसे फ्राई करेंगे, हमें इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं करना है, बस 4 से 5 मिनट तक इतना करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, जब ये पिंक हो जाए। तो देखिए, बस इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जो हमने काजू लिया था उसको डाल देंगे, हरी मिर्ची डालेंगे। फिर इसे 1 से 2 मिनट बाद इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। दो से तीन मिनट बाद हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे, और जब तक पानी बॉयल हो जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। तो देखिए, पानी के साथ भी ये 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पक चुका है। अब इस गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे ठंडा करके मिक्सी के जार में इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल पेस्ट बन गया है स्मूथ सा। नेक्स्ट, फिर से एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे, और हमने जो पेस्ट बनाया था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, हर थोड़ी देर बाद इसे चलाते हुए भुनना है, नहीं तो ये काजू का पेस्ट जो है वो नीचे सट जाता है, इसलिए हर थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहेंगे, और 10 से 12 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक ध्यान से दीजिएगा क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, तो इसमें बिल्कुल भी लाल मिर्च पाउडर, धनिया वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। उसके बाद जो हमने मैरिनेशन किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर देंगे, और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के इसे जब तक गले, जैसे कि 15 से 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं हम ऐड करेंगे, जिसमें जो दही का पानी छूटेगा उसी में ये गलेगा। तो इसको थोड़ी थोड़ी बाद देर बाद इसे चला के देखेंगे, नहीं तो नीचे जो है वो मसाला सट जाएगा काजू की वजह से। तो देखिए, 15 से 20 मिनट के बाद चिकन हमारा लगभग बिल्कुल गल चुका है, और ग्रेवी भी हमारा अच्छे से ठीक है। तो अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 कप क्रीम, ये अमूल का क्रीम है, आप चाहे तो दूध के मलाई का भी क्रीम ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे 2 से 3 मिनट तक, फिर पकाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में हम इसे में धनिया पत्ती काट के डाल देंगे। तो चिकन करी बिल्कुल हमारे रेडी हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। जब भी आप यहाँ कोई गेस्ट हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, पराठा के साथ, किसी चीज़ के भी साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।